तो ये दिक्कत आ गई है यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे ये है, ये टूट गया था। चलान हुआ है? चलान हुआ है किस चीज का सर? संजू भाई 800 किलोमीटर दूर शादी में बैठे। जैसे हम लोगों की एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, दूसरी प्रॉब्लम आ गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग और न्यू डे। तो इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे शिमला वाले रूम से और देख सकते हो भाई किस प्रकार से हम लोग हैं। और अभी हो गया मॉर्निंग का 6, तो आज हम लोग जल्दी से लौटे क्योंकि हम लोगों को आज थोड़ा लंबा पैच खींचना है। लंबा पैच खींचने का रीज़न ये है कि जो हमारे स्टैंड का दिक्कत है वो आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। हमने नियरेस्ट KTM शोरूम में पता कर लिया है कि कहाँ कहाँ हमें स्टैंड मिल जाएगा, तो अभी हमें एक लोकेशन का तो कन्फर्म हुआ है। अभी हम लोग कॉल करके कन्फर्म कर लेंगे कि वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है रस्ते में। यहाँ देखो भाई, देख रहे हो ये हमारा पूरा रूम इस प्रकार से है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इस रूम में ठंडा बिल्कुल भी नहीं हो, है ना, ठंडा नहीं हो ना ये। और गर्म पानी के लिए भाई कैटल भी मिल गई थी, हम तो सोचते हैं कैटल लेके जाए अपने साथ, रास्ते में काम तो आएगी। तो वह ऐसा सिस्टम है। तो अभी फटाफट होते हैं रेडी क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि 7 बजे तक हम लोग भाई चेकआउट कर लें, और क्योंकि 10 बजे तक KTM के शोरूम खुल जाते हैं तो उस समय तक हम लोग पहुँच जाएँ। आ चुके हैं हम लोग अपने आज के सेटअप पर। तो हमारा रूम का स्टे था वो था वैली ग्राउंड में, देख सकते हो क्या मस्त है। और भाई यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि छोटी छोटी गलियाँ, उनमें इतने बड़े बड़े होटल्स हैं ना भाई ये। तो पहले अभी हम लोग करते हैं बाइक को कोल्ड स्टार्ट। आ चुके हैं हम लोग भाई मेन हाईवे पे, देख सकते हो आप लोग। और भाई यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने जो रूम लिया था वो लिया था नियरेस्ट माल रोड के पास में, और माल रोड में आप लोगों को पता होगा कि भाई गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। और माल रोड और शिमला ऐसी लोकेशन है भाई जहाँ पर भाई मतलब पहले पेट्रोल ही भरा ले, क्या पेट्रोल भरा लें? हाँ आगे पे देख लेंगे भाई ठीक ठाक पेट्रोल पंप पे। तो शिमला भाई ऐसी लोकेशन है जो भाई अंग्रेज़ों के ज़माने से बसाई हुई है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे इस्टेब्लिश किया गया है भाई। और देख रहे हो भाई क्या मस्त मस्त से घर है यहाँ पे, सब कुछ अल्टीमेट एकदम। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पे जो कल्चर है ना बहुत ही अच्छा है भाई, मतलब आप लोगों का ये है कि भाई सब कुछ तरीके से, छोटी सिटी है बट बहुत अच्छे तरीके से भाई एकदम मैनेज किया हुआ है। धन्यवाद, थैंक यू भाई सो मच शिमला, आपने हमारे इतनी अच्छी सर्विसेज की, इतना सब कुछ ध्यान रखा। सबसे अच्छी बात है कि वो टेम्परेचर ठीक था, नॉर्मल था, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट ये है कि हमारा एक ग्लव्स मुझे लग रहा है बंदर लेके गया है, वही चीज़ थोड़ा सा हमको लग रहा है क्योंकि मैंने रखा था यहाँ पे, तो वो वहाँ पे शायद मुझे लग रहा है बंदर कोई ले जाता था, दोनों के दोनों ले जाता ना, एक क्यों ले जाता। बट एनीवे जो है अभी भाई शुरू हो रहा है ट्रिप, तो ऐसा ही केयरलेस जो है ना भाई हमारे अंदर की वो भी दूर होगी धीरे धीरे करके। 500 का करना ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारा तीसरा फ्यूल अप था, और भाई यहाँ पे भी हम लोगों ने 500 का भाई फ्यूल अप करवाया है अपना, ज़्यादा तो नहीं करवाया क्योंकि भाई मैं चाह रहा हूँ कि फुल टैंकी तो रहे लेकिन थोड़ा सा जो होता है ना गैस रिलीज के लिए वो छूटा रहे। तो हमेशा जब भी आप लोग पेट्रोल भरवाते हो ना तो थोड़ा सा भाई छोड़ देना चाहिए ताकि जो उसमें गैस बनती है ना वो रिलीज हो सके। ये हमें भी बताया गया है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यहाँ से भाई अभी भाई 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है हमीरपुर 120 किलोमीटर, लेकिन भाई इस बार जो शिमला का टूरिज्म है ना बहुत ही कम देखने को मिला भाई कल हम लोगों को। आप लोग लास्ट व्लॉग में देखा कि भाई ज़्यादा रास्ता आप लोगों को दिखा ही नहीं होगा शिमला के अंदर में। भाई आप लोगों ने नहीं देखा ना लास्ट व्लॉग, तो आई बटन पे मैंने ढाल दिया है, आप लोग भाई चेक करो और किस प्रकार से भाई शिमला की लाइफ स्टाइल है उसमें हमने थोड़ा थोड़ा दिखाई है, आप लोग इन्जॉय कर सकते हो। और ये देखो भाई यहाँ पर भाई मैंने एक चीज़ नोटिस ये भी की कि यहाँ पर भाई डबल हेलमेट नेसेसरी है, देख रहे हो भाई मतलब डबल हेलमेट पहन रखे हैं यहाँ पर, इन्होंने भी डबल हेलमेट पहन रखा है, सब ने डबल हेलमेट का सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, चाहे वो कोई भी बाइकर हो। पहुँच चुके हैं हम लोग हमीरपुर वाले KTM शोरूम पे, और भाई जो हमारा स्पेयर पार्ट था ना वो बहुत ही मुश्किल से मिल रहा था भाई, हम लोगों ने मंडी में पता किया, चंडीगढ़ में भी पता किया, लेकिन कहीं पर भी भाई अभी स्टॉक में नहीं था। और बड़ी मुश्किल से एक यहाँ पर अवेलेबल है, और ये देख सकते हो यहाँ पर भाई अभी वर्कशॉप में रखे हैं। और जो स्टेप होल्डर होता है वो होता है ये वाला पोर्शन, और ये पूरा पोर्शन ये पूरा चेंज होने वाला है, तो अप्रॉक्स आधे से 1 घंटा लगने वाला है। और इसके बाद मनाली भी निकलना है, तो हम सोच रहे हैं कि यहीं पे कुछ खा पी लेकर देख लेते हैं, और गाड़ी पे भी काम होता रहेगा। बट यह है कि ये टेंशन शॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, और छोटा मोटा और काम भी दिखा दूंगा मैं इनसे कि क्या क्या काम है। तो भाई जो हमारी गाड़ी पर काम तो चल रहा है, लेकिन सीरियसली यार KTM हमीरपुर हैंड्स ऑफ, आप लोगों की पहली सर्विस भी अच्छी लगी
और जो रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा लगा। और साथ में हमें भाई चाय भी मिली। हम लोग ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे कुछ चाय पानी का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे जो स्टाफ है बहुत ही हम्बल था, चाय भी मंगा ली हमारे लिए और हमारा हल्का फुल्का नाश्ता भी यही हो गया। हो चुकी हम लोगों की बाइक की सर्विस और जो KTM हमीरपुर का स्टाफ है बहुत ही हम्बल है, उस्ताद जी ने हमारी भाई पूरी बाइक ठीक कर दी, पहुँच जाएगी हम पक्का। और सर यहाँ पे भाई पूरा अभी मैनेजमेंट देख रहे हैं, सर कोई भी दिक्कत होगी ठीक है इन फ्यूचर कॉल करेंगे, आप आओ बद्रीनाथ आओ एक बार याद करना, हमारी पूरी व्यवस्था हो जाएगी ठीक है। तो थैंक यू सो मच और सीरियसली बहुत ही सही स्टाफ है बहुत ही। तो देख सकते हो भाई यहाँ पे हम लोगों ने नया भाई स्टेप होल्डर लगा दिया है, दिक्कत ये थी और जो पुराना स्टेप होल्डर था वो ये था, देख रहे हो आप लोग, तो ये दिक्कत आ गई है यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे ये है ये टूट गया था। और भाई यही चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा था, माना भाई स्टेप होल्डर जाता तो स्टैंड भी जाता, स्टैंड जाता तो समझ सकते हो कि भाई गाड़ी बंद हो सकती। तो ये हम लोगों ने अप्रॉक्स 80 से 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा किया है, बट ये 80 से 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा इसलिए किया है कि भाई पूरे रास्ते में कहीं दिक्कत ना करे, क्योंकि भाई खड़ी खड़ी हो गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं भाई, सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी वो तो हम लोगों ने कि सही टाइम पे सॉल्यूशन कर दिया। और KTM हमीरपुर हैंड्स ऑफ आप लोगों के लिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को भाई एक घंटे में भाई एकदम पूरा कर दिया है। और भाई वो यही कह रहे थे कि ये जो सामान है ना भाई ये बहुत रेयरली मिलता है, तो अभी हम लोगों को यहाँ से वापसी करना है, मतलब यहाँ से हम लोगों को निकलना पड़ेगा राइड के लिए, क्योंकि भाई हम लोगों को रिटर्न करना है वापस। जी सर, ओहो वो दिखा रहा मेरा फोन देना, चलान हुआ है, चलान हुआ है किस चीज़ का सर, किस चीज़ का जी सर, किस चीज़ का, साइड ग्लास नहीं है सर, साइड अभी सर टूटे हुए इसलिए मैं यहाँ शोरूम में गया था सर, वो नहीं ना। सच में सर मैं अभी सर्विस करवा के आ रहा हूँ, इनको भी वो भी दिखा दो सर, मैं सर मैं सर बद्रीनाथ से चला हुआ सर, वो रास्ते में टूट गए थे इसी वजह से हो गया सर वो, इसीलिए सर सर अभी टूटा है सर, मैं इसलिए वहाँ पे से चेंज अभी शोरूम में, ये सर इस पर यहाँ लगता है सर, सर यहाँ लगता है सर इस पर शीशा, आप फोटो भी देख लीजिए जी सर, सर मेरे नाम पे सर लेकिन सी से आगे लगता है सर इस पे, यहाँ पे ये देखिए सर यहाँ ये तो इस वो लगा रखा है सिर्फ शो ऑफ के लिए, आगे भी नहीं है ना, तो सर वो अभी टूटा है ना सर रास्ते में, टूटा तो तभी रोका है ना, तो सर वहाँ मिला ही नहीं सर, मैं अभी पूछ के आया शोरूम में, वो बिल दिखा दो सर को, सर को बिल दिखा दो पहले, का है 500 का, ठीक है सर, वैसे तो मैंने सर को बता दिया था, हद है यार भाई, मतलब मिरर के लिए भी वाह भाई, हम लोग जैसे निकले और यहाँ पे देखो क्या सिस्टम है भाई, क्या बोलें भाई, जैसे हम लोग यहाँ से निकले और ये सारी दिक्कत है शुरू भाई, मिरर पे भी भाई एकदम चालान है वाह, वो मैंने बताया ना आपको भाई वो रास्ते में टूट गया था, वही चीज़ को समझा ही नहीं उन लोगों ने, वो मिल ही नहीं रहा है भाई, तब से मैंने ऑर्डर पे भी लगाया है KTM देहरादून पे, लेकिन भाई अब वो लोग सोच रहे कि इस पे क्या बताएं भाई, ये सारी चीज़ें दिक्कत एक साथ ही आनी है क्या, जैसे हम लोगों की एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई दूसरी प्रॉब्लम आ गई, आज दिन की दूसरी प्रॉब्लम भाई, मतलब आज दिन की पहली प्रॉब्लम ये समझेंगे अभी से, तो आज दिन की पहली प्रॉब्लम देख दो भाई पुलिस ने पकड़ ही लिया, चलो जो भी है भाई, वैसे तो भाई उन लोगों को मैंने बता दिया कि वो टूट गया था, बट कैसे समझाऊं उन्हें बार बार में कि भाई यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, वहीं मैं पूछने भी गया था कि भाई मेरे को मिरर मिलेगा, यहाँ पे भी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था मिरर, क्या बोलें। तो अभी निकलते हैं बाहर, ये सारी प्रॉब्लम है दूर करने के बाद, अब पहुँचे हम मेन हाईवे पर, जो सीधा आपको दिख रहा है वो है शिमला से आते हुए आपको
वहाँ से आना है और यहाँ से आपको राइट मुड़ना है। और आप चंडीगढ़ होते हुए आ रहे हो तो आप सीधा ऊपर फ्लाईओवर से आ रहे हैं, लेकिन हम लोग भाई इस रास्ते आ रहे हैं। तो हम लोग जो निकले थे हमीरपुर, तो ये हमीरपुर का रास्ता है। मतलब आप शिमला से आओगे तो राइट मुड़ोगे तो आपको मनाली, और सीधे जाओगे तो हमीरपुर, और लेफ्ट मुड़ोगे तो चंडीगढ़ की तरफ। तो ये पूरा रास्ता आप लोगों ने देख दिया है। तो यहाँ से अब हमको मुड़ना है लेफ्ट। जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो अब हमें मिल चुका है, मतलब हाईवे। और यहाँ से ये देखो भाई, ये जुड़ चुका है आपका चंडीगढ़ मनाली हाईवे। अब यहाँ से हम थोड़ा खींचेंगे भाई कहाँ तक, क्योंकि अभी तो हमारे पास लंच के लिए 2 घंटे पेंडिंग है। तो 2 घंटे में अप्रॉक्स हम लोग खींच लें, बीच में एक छोटा सा ब्रेक तो लेंगे यार, क्योंकि भाई जो इसमें है ना बम्प की जो लंका लग रही है ना, वो सिर्फ एक बाइकर ही समझ सकता है भाई। और सब लोग तो हंसेंगे हा 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 करके। ये है हमारे पूरे रूट का दूसरा टोल। पहला टोल हमने देहरादून में दिखाया था आप लोगों को, इसीलिए मैंने वो टोल वाला भाई डाला था। और सेकंड टोल है यहाँ पे, तो बाइकर्स के लिए यहाँ पे भी भाई कोई वो नहीं है, आप लोग इजीली एक तरफ से निकल सकते हो। और हम लोग निकलेंगे यहाँ से, देख रहे हो भाई, बाइकर्स के लिए इस वाले टोल पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने आज के ट्रिप का दूसरा ब्रेक ले लिया, दूसरा ब्रेक ले गया हमने लंच के लिए। और यहाँ पे भाई जी की एक छोटी सी मतलब शॉप है, बहुत मस्त राजमा चावल कड़ी चावल। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग वैसे भी टपरे वाला सिस्टम पसंद है। तो यहाँ पे देखो भाई, भाई जी ने स्पेशली हमारे लिए हिमांचली ककड़ी काटी है। हिमांचली है ना भैया? हिमांचली सेम ही होता होगा मेरे को लग रहा है। नहीं नहीं, ये सेम नहीं, अलग से होता है, टेस्ट अलग अलग है। हमारे यहाँ पे भी ऐसी बड़ी बड़ी मिलती है, हो सकता है शायद, क्योंकि भाई सेम ही है कि नहीं ये कहानी है, क्योंकि वो भी पहाड़ है ये भी पहाड़ है, बस हम इस पहाड़ से उस पहाड़ आ रखे अभी, है ना। तो ये राजमा चावल खाते हैं फिर निकलेंगे आगे को। और यहाँ से भैया कितना होगा यहाँ से मनाली? मनाली 140। और मंडी 35। मंडी है 35 किलोमीटर और मनाली है 140। तो मुझे लगता है हो जाएगा पूरा हाईवे ना। हाँ पूरा हाईवे, दिक्कत विक्कत कुछ तो नहीं है? कोई नहीं। चलो बढ़िया है भाई, तब तो हमारा हो जाएगा आज का पूरा। और ये वाला रूट भी जाता है शिमला के लिए। तो 2-3 पॉइंट है जहाँ पर आप लोग भाई मिल सकते हो। तो अभी हम खाना पीना खाते, क्योंकि कल से हमने कुछ खाया नहीं है। ठीक है भैया, थैंक यू, बाय बाय। तो भाई जी के हमने खाया था खाना, बहुत ही यम्मी था भाई, बहुत ही यम्मी, जिसको बोलते हैं ना भाई मस्त मज़ेदार। तो यहाँ पे एक छोटी सी टपरी है भाई की, मस्त सी। ओ भाई, अब यहाँ से हमारा जो मनाली है वो है 140 अप्रॉक्स। हमारा आगे से चल रहा है KTM वाला और उसका टायर हो गया पंचर, लेकिन भाई को पता ही नहीं कि मेरा टायर पंचर हो गया है। भाई टायर पंचर हो गया है। भाई देख रहे हो, मतलब भाई चल रहे हैं ना, इधर देखना ना उधर देखना, बस चलते रहो भाई। इतना तो फील हो ही जाता है यार टायर का कि भाई टायर पे हवा कम है, पंचर हो गया है। अंकल फुल कर देना। यहाँ पे भी हम लोगों ने भरवाया है 500 का, और ये हमारा तीसरा फ्यूल अप है ना। हम लोगों ने सब जगह 500 का भराया ना, 500 का यहाँ पे भराया है मंडी में, 500 का उससे पहले शिमला में, और उससे पहले 500 का सिरमौर में, और उससे पहले ये हमारा चौथा है। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि कितने हम लोगों ने फ्यूल अप करवा दिए। ये है भाई हाईवे के हाल, देख रहे हो भाई पूरे रोड ख़त्म, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर बोल्डर। ऐसा लग रहा है कि भाई मैं फिर से वापस नीति वाले रूट पे आ गया हूँ, बट ये नीति रूट नहीं है, ये रूट है मनाली वाला। ओ भाई ये देखो संजू भाई, ये वाला देखो भयंकर की भाई। यहाँ पे जो कंपनी वाले वर्कर होंगे ना वो काम करते होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो भाई, उनको ये बनाया हुआ था शेल्टर। और देखो भाई मशीन के हाल देखो। ओ भाई मशीन देखो ना भाई, वो 2-3 मशीनें तो दबी हुई है, एक वो मशीन दबी हुई है।
भाई खतरनाक हो रखा है, खतरनाक जेसीबी तक। ये तो बहुत डेंजर आ रखा है भाई, बहुत डेंजर। आई डोंट नो भाई कोई इसमें सेफ रहा होगा कि नहीं रहा होगा, क्योंकि मशीन जिस हिसाब से दब रखी है ना भाई, तो ऐसा लग रहा है कि भाई कोई सेफ नहीं होगा। बट भगवान सबकी रक्षा करे, सबको सुरक्षित रखना जो भी होगा इसमें। जैसे आपसे हो रखा ना भाई, मशीन दबी हुई है, सब कुछ दबा हुआ है भाई। ये है पूरा रूट का हाल, देख रहे भाई। उसको देख के तो भाई मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट हो गई भाई, वो शेल्टर को देख के, वो मशीनों को देख के। क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर रहा हूँ, तो मुझे लग पाता है कि भाई कैसे वहाँ पे रहता है इंसान, कैसे वहाँ पे भाई काम करना पड़ता है भाई। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक, सोच के डर लग रहा है। और ये पूरा रूट मुझे लग रहा है मंडी से लेके कुल्लू तक, मुझे लग रहा है ऐसे रूट हमको देखने को मिलेगा भाई। कुछ भी बोलो, ये एक्सपीरियंस अलग लेवल का था भाई, अलग लेवल का, बहुत ही अलग लेवल का। आई डोंट नो क्या है क्या नहीं, बट बहुत ही खतरनाक भाई। टनल नंबर इसी पे जाना है, आई डोंट नो भाई। ये हमारे समझ के परे है, बट भाई पूरा आंखों में धूल धूल घुस गई है, बहुत ही खतरनाक भाई। ये तो ऐसे लग रहा है कि भाई मैं पता नहीं किस भूतिया जगह पे चला रहा हूँ। और बट सीरियसली बहुत ही अलग एक्सपीरियंस, बहुत ही खतरनाक, मज़ेदार। और एट द एंड ये क्या है, ये क्या है मतलब भाई, जैसे ये क्रॉस किया और ये क्या देखने को मिल रहा है भाई। भाई ये देखो भाई, जैसे वहां पे देखा उसके बाद ये भाई, सच में मनाली इट्स नॉट इजी ब्रो, अब तो समझ गया हूँ मैं। ओ भाई यहाँ पे पूरा स्लाइड व्लाइड आ रखा है, सारी मशीन वसीनों को तो भाई बैंड बजा रखी है, देख रहे हो, सब कुछ खत्म कर रखा है, खत्म। रुकना पड़ेगा भाई कहीं पे, थोड़ा हाथ पैर को वो देनी पड़ेगी भाई। और इन टनलों को क्रॉस करने के बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, लेकिन सच में भाई जो फटी पड़ी है ना अभी, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, सच इतना भयंकर भाई सिस्टम, आई डोंट नो कि ऐसा मिलेगा वाला हमको रास्ते में। टनल के बाद ऑफ रोड के बाद स्लाइड राइड, और अभी जहाँ पर हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं ना, यही बहुत डेंजर जोन है। और हम रुके चाय के लिए, यहाँ से अभी तक की बात करेंगे, पहले चाय पी। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं एक नई लोकेशन पे। आई डोंट नो कि हम लोग का जो प्लान था वो था मनाली का, लेकिन बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अभी हम लोग रुके हैं अपने ही घर में, अपने ही घर समझेंगे हम इसको। और यहाँ पे भाई जी भी हमारे, संजू भाई बताएंगे क्या कहानी है मतलब। संजू भाई ये है हमारे भैया बालाग्राम भैया का कमरा, हाँ घर आशियाना। और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में है यहाँ पे ये। और जो भैया है ना वो पहले भाई हमारे उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के बिरही, मेरे गांव मतलब इसके गांव में काम कर चुके हैं। तो सडन उनको हम लोगों ने कॉल किया, सडन अच्छी बात ये रही कि वो भाई यहीं पर है। तो हम लोग अभी हैं कुल्लू से 12 किलोमीटर पीछे बिजोरा पे, और हम लोगों ने सोचा है भाई जब आए हैं तो भाई जी से भी मिल लेते हैं। और यहाँ पे हमारे दो छोटे हेलो करो सीताराम। और ये देखो ये दूसरा सीताराम, और ये हमारे भैया। कैसे हैं भैया? ठीक ठाक जी, थैंक यू सो मच। किस लिए? ये जो भी हुआ ये मतलब अपने घर की बात है ना? तो हमने कहा ना कि देखो हमारे अब हो गए दो से तीन घर, पहले मेरा, फिर संजू का, और एक राजीव आज। तो ये अगर हिमाचल में घूम रहा है तो जरूर भैया भाई देख लो। तो कुल्लू से 12 किलोमीटर पीछे भैया की शकल देखो यहाँ पे, ये बिजोरा। और भैया ने बोला है अगर शिमला में भी रुकना है तो वहाँ भी कॉल करना है। इलेक्ट्रिकल का अभी जाना अपने मनाली।
अभी हम लोगों ने जाना है मनाली, तो मनाली की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। बट ये है कि अभी हम लोग जा रहे हैं धाम पे। अब आई डोंट नो कि धाम क्या है, वो भाई अभी जाके पता चलेगा। कि मैं कह रहे कि यहीं पे नज़दीक पे कहीं घुमाने ले जाने वाले हमें, तो फटाफट फ्रेश अप होते हैं और निकलते हैं धाम के लिए। संजू भाई 800 किलोमीटर दूर शादी में बैठे और ये सब भाई जी की वजह से हो रहा है। हमें पता नहीं था कि धाम वाम का क्या सिस्टम है। भाई हिमाचल में जो शादी को उसे धाम बोलते हैं, इसी वजह से हम लोग आए। मुझे पता नहीं था, मुझे तो ऐसे उठा के ला गया, तो मैं राइडिंग जैकेट पे ही बैठा हूँ, तो थोड़ा सा भाई शर्म आ रही है, बट क्या करें, जो होता है अच्छा होता है। और यहाँ पे हमारे साथ भाई जी भी, तो अभी तो भाई कुछ आएगा खाने पीने के लिए तभी देखेंगे, तो क्या क्या आता है स्पेशल देखते हैं। तो थैंक यू भैया सो मच। पहुंच चुके हैं हम लोग रूम पे और भाई संजू भाई भी यहाँ सो चुके हैं। और जो भाई यहाँ पे धाम है ना, बहुत ही अच्छा हुआ, मतलब शादी वादी बहुत अच्छी होगी। और हम खा पी के पहुंच गए रूम पे और अब सोने की तैयारी, क्योंकि भाई कल भी हम लोग को अच्छा वासा कवर करना है। अरे यहाँ पे हमारे छोटे उस्ताद जी, देखिए वहाँ पे छोटे उस्ताद, गुड नाइट, गुड नाइट सीताराम। तो ये हमारे छोटे साथ, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। और अभी तो आगे आने वाले ट्रिप बहुत ही खतरनाक वाली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। सीताराम। मैं गोपेश्वर दावी बंदा जिवे आगे आया आगे, वे ना बनाया ना कमाया ना नी गवाया, तेनू मेरी गला सारी सोनी क्यों नी लगदी है, तू लगे प्यारी।